नेपाली मन मन को आवाज हो यो रेडियो सांदी 96.4। नमस्कार, प्रणाम, ढेर सारा स्वागत पर हुआ संपूर्ण श्रोता के। जी श्रोता, रु अभी सुन रहा बानी रेडियो स्थानवी 96.4 MHz पर कार्यक्रम चौकस, और चौकस के संगे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता श्याम सराफ। रुआ कार्यक्रम www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भर के साथ सुन सकता नहीं होते। रुआ कार्यक्रम शनिचर बाहेक हरेक दिन सवेरे के 7:30 से 8 बजे तक सुन सकता नहीं। हमने कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति, गीत गौनही लगायत विषय पर चर्चा परिचर्चा करनी छन। ओमे रहल समस्या, कैल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चौकस बतकही करनी छन। और आज के हमने के जे अतिथि रहल बानी वहाँ भैरवा साहित्यिक खरिहान के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ सिंह पालीवाल जी, जे अभी एगो संस्थागत हिसाब से युवा लोग के सहभागिता करा रहल बनी, लगायत के विभिन्न वर्ग के लोग के सहभागी करा के अपन भाषा के उत्थान कैसे कैल जा सकता, ओमे छुपल जौन पहलका चीज बाड़ा सन ओकरा के कैसे अगाड़ी लियावल जा सकता, लगायत के विभिन्न प्रयास कर रहल बानी। और आज हमनी के वहाँ से चौकस में उहे सब विषय पर चौकस बत कही करम सन। स्वागत बारू आए कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम करते हैं सब श्रोता गण के भी निगरी, और जे जे भोजपुरी प्रेमी बा हार्दिक नमन करत और कार्यक्रम चौकस में। और उसे ही अपन हाल खबर सुनाव ले सर। सब हाल खबर बढ़िया बा। निगरी के समय में, आजकल के समय में भोजपुरी भाषा के जो लगाव चाहे प्रेम बा, प्रभाव बा, स्नेह बा, थोड़ा सा निगरी बढ़ल बा। आजकल ज्यादा निरंतरता यही पर देखल जाता हमने की, और भोजपुरी के विकास के खातिर अब 24 घंटा में 2-4 घंटा से बेची भी भोजपुरी भाषा के खातिर दिन कट रहा बा। सबसे पहले तो अपन भाषा साहित्य में जो निरंतरता लागल बानी, काम कर रहा बानी, कुछ ओकरा अपन भाषा साहित्य पर कुछ चर्चा हो जाए सर। अब भोजपुरी भाषा के इतिहास के हमन की अगर जो पलटावल जा, तो भोजपुरी भाषा जौन बा एकरा पहले से हम ई भाषा में कब लगली कह के शुरुआत बताए के पड़ी कि हमार भोजपुरी भाषा से लगाव जब हम कक्षा 6-7 में पढ़त रही तब ही से एमन लागल बा। एक निर्गुण गावे के मौका मिलल रहा और वो निर्गुण में प्रथम स्थान पौली, तब से हम ये भोजपुरी भाषा में कुछ न कुछ लिखले गयी। लिखत लिखत पढ़त लिखत जात, लेकिन पहले के कुछ रचना को लेहर और फेंका गए कि भोजपुरी में कोनो स्टेज बा, कोनो जगह मिली कह के हमके मालूम भी ना रहल। लेकिन आए वाला दिन में समय जब बीतत गई वो समय में भोजपुरी के कुछ पीछे वाला समय में एक निरंतरता छूटल रहे, लेकिन जब रेडियो FM ई कुल खुलल और भोजपुरी कार्यक्रम कुल चले लगल, तब फिर से हम ये भोजपुरी भाषा से जुड़े लगली। अगर जो भोजपुरी भाषा के हमन के इतिहास देखल जा, भोजपुरी भाषा के बात कैल जा, तो भोजपुरी भाषा एक ऐसन समृद्ध संस्कृति वाला भाषा है। एक संस्कार अलग बा, एकर पहचान अलग बा, एकर रीति रिवाज अलग बा, और भोजपुरी भाषा बहुत मीठ भाषा है। और एक हमन के इतिहास के जो पन्ना पलटावल जाम, तो ई भोजपुरी भाषा के उजागर करे वाला कुछ पश्चिमी विद्वान लोग पश्चिमी इतिहास में अपन तथ्यांक के जोड़ के रखलें, इतिहास के रच के रखलें। ओकरा बाद मैथिली मगधी भाषा के वहाँ चर्चा कैले, और ई मैथिली मगधी भाषा के बाद भोजपुरी भाषा के इतिहास रचल और लिखल और मिलल बा। वैसे तो देखल जा 7वां 8वां ईस्वी शताब्दी से
चिट्ठी प्राप्त जौन महात्मा लोग के बोली रहल उ भोजपुरी भाषा के बोली रहल ई मिलल। ओकरे बाद महात्मा लोग के बात की प्रसिद्धि के जौन बोली के भाषा कैली आपसे, ओकरे बाद महात्मा कबीर जी के समय में भी भोजपुरी के पूर्वी नाम मिलल रहल। ओकरे बाद मध्य काल में भी देहाती भाषा लोग कहे लागल कि जौन कहीं कहीं आज भी देहाती अथवा देशी भाषा कहेला लोग। और 17वां अथवा 17वां 18वां शताब्दी के भारत में रहल एक जिला भोजपुर जिला राजा भोज के जगह और एकर अगल बगल के कई गांवन में भोजपुरी के कई के पहचान मिल रहल। वैसे ई भोजपुरिया शब्द सबसे पहले 1781 ईस्वी में एकर पहचान मिलल लिखित रूप में। और नेपाल में भी देखल जाए तो नेपाल के तथ्यांक में रौतहट, बारा, परसा, चितवन, नौलपरासी, रूपंदही लगायत के कई जिलन में भोजपुरी भाषा हमन के बोलल जाला। और प्रदेश के हिसाब से भी देखल जाए तो प्रदेश नंबर 2, प्रदेश नंबर 3 में भी, प्रदेश 4, 5 और बागमती प्रदेश में भी भोजपुरी भाषा बोलल जाला जवन हमन के देश की तीसरा राष्ट्रभाषा है। हमन के देश में एक मातृभाषा के मान्यता भी दे चुकल बा। और पूरा संसार के अगर जो हमन के तथ्यांक देखल जाते 16 देश बहुत से कार्यक्रम में भी हमन के सुन चुकल बानी, 16 देश 25 करोड़ के हाराहारी में ये भोजपुरी के तथ्यांक बा। 16 देश में नेपाल भी बा, इंडिया, भारत, सूरीनाम, मार्सी सिकुलेशन देश बा जहाँ भोजपुरी भाषा के बोलल जाला। अब आपन भाषा, संस्कृति, साहित्य लगायत विभिन्न क्षेत्र में आपन योगदान सहित के संगे संगे कैसन कैसन प्रयास हो रहल बाटे? जब भोजपुरी भाषा के खातिर अब व्यक्तिगत रूप से और संस्था से जुड़ल के योगदान के चर्चा के बारे में हम बतियोले से पहले आपके हम ही बताई, भोजपुरी भाषा जितना मिठास बा भोजपुरी भाषा में उतने चमत्कार भी हो रहा बा। कहा चमत्कार होत बा, एक कुछ नकारात्मक पक्ष भी बा और कुछ सकारात्मक पक्ष भी बा भोजपुरी भाषा के। हमन के नेपाल के तथ्यांक अगर जो देखल जाए तो 2068 साल में भोजपुरी भाषा आपके 15,84,958 जने के तथ्यांक मिलल रहा, जौने के हमन के 7.53% ई बा। ओकरे पहले 2058 में 10 बरस पहले एकर तथ्यांक कुछ और ज्यादा, एकर तथ्यांक जब कुछ और ज्यादा बा 58 में 7.53 और 68 में जाके एकर कुछ परसेंटेज घट गया 5.98। अब एक हिसाब से देखल जाता भोजपुरी भाषा के जौन गणना बा एकर भोजपुरी भाषा घटल जाता, उसी जनसंख्या जब बढ़ रहा बा भोजपुरी भाषा मधेश में जितना ही जिला हम बतौले आपके जगह में जनसंख्या तो बढ़ रहा बा लेकिन भोजपुरी बोले वाला लोग कैसे घट रहा बा, एक पहलका चमत्कार बा एकर। और दूसरका चमत्कार हम आपके बतावतानी हमन के देश नेपाल में 2058 साल में 92 भाषा रहल और 2068 साल के अगर जो हमन के तथ्यांक देखल जाए तो वहाँ 125 भाषा हो गई, यानी कि 33 ठो भाषा जन्म भई जन्म ले रहा हलस। वो समय में भोजपुरी भाषा से अवस्था नाजुक बनत जाता कि बोले वाला की संख्या भी घटल। अब की एक ठो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा बा और वही जगह जवन एक बजिका भाषा बा उसे तो विरोध ना करती हम ई बजिका भाषा के, 58 साल में 1.05% रहे तो 2068 साल में 2.99 भई। और जौन भाषा के जनसंख्या बोले वाला जनसंख्या कम बा, बहुत से कम बा, ओकर बढ़ंतरी भई। आज भोजपुरी भाषा जौन पहले ही से ज्यादा रहे
वो घटत चल आवता। एकरे पीछे कुछ कारण भी बा। अब भोजपुरी भाषा के प्रति लोग के झुकाव, लोग के प्रेम, ऐसा बहुत से बात कुल बाटे। अगर बात में फिर बाद बात में करबे करल जाए, बतेबे कर जाए, वैसने भोजपुरी भाषा के संग्री हमन के बजका नागपुरिया भारूपाली भाषा परिवार के जितना भी भाषा बा, मैथिली भोजपुरी मगही, ये कुल भाषा में और भाषा के घट नाय होता, घटंतरी नाय होता, बढ़ंतरी बा, लेकिन भोजपुरी भाषा का है कम होता। एक भी शिक्षाविद, साहित्यकार, रचनाकार सब लोग जे जहां से बा उनके जोड़ देके भोजपुरी भाषा के बचाए के करी और परी। अंग्रेजी के बोलबाला भी है निघरी हमन के देश नेपाल में ज्यादा बा। जैसे 2068 में 2032 लोग मातृभाषा के रूप में बोलत रहे, लेकिन इन्नी घड़ी 5000 की हाराहारी में भइल बा। तो अंग्रेजी भाषा भी बढ़ रहा बा, लेकिन भोजपुरी भाषा भी केवल एकर बोलले में, एकर बचाव में, एकर संरक्षण करे के खातिर काहे कमी हो रहा बा, कहके सबके सर तो जन चेतना के भी कमी से भी तो हो रहा बाटे न। अब जैसे जौना बेरा जनगणना होके आ रहा बाटे, जौन आदमी के मातृभाषा भोजपुरी है, वो भी हिंदी या नेपाली या अन्य भाषा सब लिखावे नहीं, अपन भोजपुरी भाषा के दरकिनार करे नहीं। वह बात हम जोड़े के खोजते कि मतलब जौन भाषा अभी शुरुआती अवस्था में बा, बहुत से कम लोग बोलत रहे, लेकिन 10 वर्ष के अंदर वो डबल हो जाता। लेकिन भोजपुरी भाषा जौन नेपाल के लगभग हर जिला में बा, तराई बेल्ट में, तो ई कहे घटता तेमन ई बा कि अरे भोजपुरी बोलब तो हमार इज्जत जाए, हमार सम्मान घटी, हमार सामाजिक जौन स्टेटस बा में कमी आ जाए की। और कुछ लोग जब गांव से शहरिया बन जाला तो रूप रंग केवल ना चेंज होला, उनका भाषा भी बदले लागला। वही से इमन का करे कहल कि एक भोजपुरी में कहावत बा, अबरा के मौगी हर घर के भौजी, ते कमजोर बना दिया जाता। ये भाषा के पढ़ल लिखल से लोग भी, शिक्षित लोग से भी जितना भी जुटल बा, वो जागरूकता है कि ना जगा सकता, उसे ही भाषा के प्रति जौन पिछड़ापन आवता, पीछे जाता, एक मुख्य कारण कुल ये बा। और हम पूछल गए योगदान के बारे में व्यक्तिगत और संस्था के रूप से, तो संस्था के आगे बढ़ोले के खातिर एक आदमी के काम तना हो जाला, और व्यक्तिगत रूप से हर आदमी जे जहाँ रहला वहाँ से चाहे सुतल है, बैठल है, देश रहे, विदेश रहे, व्यक्तिगत रूप से तो सहयोग अपने मातृभाषा के खातिर, मतारी भाषा के खातिर सहयोग कई सकला, लिख सकला, पढ़ सकला। और संस्था के हिसाब से यानी करी हमने के भैरहवा में इतिहास देखा जाए 2062-63 में, 2069-70 में भी संस्था के संगठन भइल है, मरचवार में भी संस्था बा। और ये नया संस्था भैरहवा साहित्यिक खरियान नया से नया युवा लोग के जोड़े के प्रयास कर रहा बा, और बहुत लोग भी एक सपोर्ट कर रहा बा भोजपुरी भाषा के बचावे के खातिर। एनी घड़ी यमन जितना भी लोग बा, पढ़ल लिखल से लेके गांव से शहर तक, बाजार तक, सब के हो, चाहे कुछ उम्र के बाद वृद्ध वृद्धा लोग बा, बूढ़ पुरानिया बा, वो लोग के हमन के खोज तलाश कर जाता, युवा लोग के भी खोज तलाश कर जाता, नर नारी दोनों के भी हमन के तलाश कर के संस्था के मार्फत से आगे बढ़ रहा बानी। अब जैसे कहल जाला भी अभियान के सफल बनावे के बाद, तो आज के युवा के ओमे उल्लेखनीय सहभागिता होके के चाहिए। वो सही जे हमनी के पहले के जौन रीति रिवाज रहे, गीत गौनई रहे, लगायत के विभिन्न परंपरा रहे, वो महिला लोग के अधिकांश जानकारी रहला, मालूम रहला, वो आज के रुवा जौन संस्था बनैले बानी, वो संस्था में वैसन युवा लोग के, वैसन महिला जे पहले के सब रीति रिवाज जानत नहीं, वैसन लोग के सहभागिता कैसन बाटे, वहाँ लोग के अपन भाषा संस्कृति प्रति के जागरूकता कैसन देखले बानी रुआ। अब देखल जा नारी अथवा महिला के सहभागिता बिना हर कार्य क्षेत्र, हर काम, हर शुभ काम अधूरे रह जाला। कहले बा
बिनु घर नी घर भूत के डेरा, बिना नारी घर सूना सूना। तो वैसे भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी संस्कृति, कला संस्कृति जितना बा, रीति रिवाज जितना बा, महिला के बिना ये अधूरे रही, हरदम अधूरे रही। और आपके हमार नजरिया थोड़ा सा गलत हो सकला कि भोजपुरी भाषा के प्रति महिला लोग के लगाव कुछ कम बा, ऐसा कोनो बात ना है। भोजपुरी भाषा के खातिर सबसे बड़ा पुरुष से भी ज्यादा महिला लोग के योगदान बा। देखल जा जवन संस्कार गीत से लेके हर पारंपरिक गीत में महिला लोग के बेजोड़ प्रस्तुति बा। नानी दादी जवन रहली सिखा दहली बेटी बहन के, उ लोग अपन संस्कार के बचावत चली आवत है। अभिन भी देखल जा महिला लोगन के उपस्थिति तो शिक्षा क्षेत्र में भी पहले कुछ कम रहे, जब हमन के पढ़त रहल के तो बहुत कम एक दू जने लोग के देखे के मिले। लेकिन इन घड़ी देखल जाता है विद्यालय तह में, माध्यमिक तह में अथवा ऊपर कैंपस के देखल जाए, स्नातक से मास्टर डिग्री तक ले हर जगह में भोजपुरी भाषी, भोजपुरी बोले वाला महिला लोग के वहाँ लगाव बा। वहाँ लोग अपने अपन डेग आगे बढ़ा के आगे बढ़ रहा बाड़ी, समाज में आगे बढ़ रहा बाड़ी, घर में आगे बढ़ रहा बाड़ी, साहित्य में आगे बढ़ रहा बाड़ी, हर चीज में महिला लोग बाड़ी आगे। वैसे ही हमन के भोजपुरी साहित्यिक खरियान में भी महिला लोगन के लगाव वैसे बा। और जहाँ जहाँ ईसन ईसन महिला लोगन के पहचान मिलता वहाँ तक ले भोजपुरी साहित्यिक खरियान अपन खोज तलाश कई के आगे बढ़ रहा बा। लेकिन वहाँ लोग के योगदान एकदम अतुलनीय बाटे, केहू भूलल नहीं खे ना केहू भुला पावता। लेकिन बहुत महिला नारी ऐसा बानी लोग जे बहुत निमन अपन भोजपुरी भाषा संस्कृति साहित्य ला कर सकता नहीं, फिर भी अपन समाज समुदाय घर परिवार लगाए के विभिन्न जौन कारक तत्व बाटे ओकरा कारण खुल के नहीं आ पावत, उमे भी तो एगो संस्थागत हिसाब से अगाड़ी बढ़े के पड़ल न सर। जी हम आपके ये बतावता नहीं कि कहा ला लोग कि मने मधेशी समुदाय भी कह सकल जला मन के, जैसे दहिया देखले से मधेशी है आई भोजपुरी है बोलत हुई कई चीज कितना लोग भी अंदाज भी लगा लेला। तो वही हिसाब से ई हमन के भोजपुरी भाषी के जवन संस्कार बा, वो संस्कार के मानत मानत कुछ महिला लोग कुछ हद तक कुछ प्रतिशत में वो महिला लोग आगे ना बढ़ पा रही। ये ना बढ़ पावला जहाँ थोड़ा सा रोक छेक रह जाला, जहाँ शिक्षा के कमी रह जाला, वह जगह पे महिला लोग आगे बढ़े के वो कुछ ना सकेली। कुछ ऐसा कारण रहला कि जब शिक्षा ही मेन कारण बा कि शिक्षा जब पई है तो वो जरूर आगे बढ़ी है, अपने घोड़े पर ठड़ी है। और हर जगह उनकर बोली, उनकर भाषा बोलबाला सब कुछ रही, साहित्य रचना लेके वो लोग का जितना भी संस्कार बा, झूमर बा, कजरी बा, जितना भी जितना गीत बोल बा, सब महिला लोग से उजागर बा। निघरी हमन के भोजपुरिया साहित्य में, भोजपुरिया संस्कार में तो महिला लोग भोजपुरी साहित्य के खातिर पीछे बाड़ी हम तो कभी नहीं मान सके। कहे से कि रेडियो में पत्र पत्रिका में भी महिला लोग के रचना देखे के सुने के भी मिलला, वो से मन गदगद हो जाला। अभी यह समय में, आज के समय में महिला लोग पीछे ना है, कुछ यह कारण बा कि कहीं गरीबी बा, कहीं अशिक्षा बा, ओकरे बाद कुरुति तो ना कह सकल जाए कि हाँ कि घर में रह ली अथवा उतना बाहर ना जा ली तो कुरुति है, ये तो ना है। कहे से कि कहीं भी रहे भोजपुरिया महिला लोग, वो लोग अपन भाषा के आगे पढ़ाए के खातिर रात दिन बहुत मेहनत कर रही। कैसे वो नानी दादी के सिखावल जौन हम आपके बता दिली कि बोली बा, भाषा बा, गीत बा, गुंजन बा, ओके एकदम मानत चलेली, वही के अनुसार चलेली, वही लोग के जुगौले से भोजपुरी साहित्य भाषा गीत संस्कार रीति रिवाज सब कुछ बचल बा। जी अब सही हमनी के बात जो करता नहीं सर, अब तक बात के दूसरा उम्र लई आज के गीत गौनई के चलते जो हमनी के भोजपुरी भाषा के कहीं ना स्तर तंका सा गिरल बा, कुछ लोग के देखे के जो नजरिया बदलल बाटे उ असली लोग के तब अपशब्द होके तब वैसन लोग के विरोध में रहुआ व्यक्तिगत और संस्थागत हिसाब से कौन हिसाब से गाड़ी बढ़ रहा बानी। अब देखिए यही के कहल जाला कि खेत खाए गदहा आ मार जाए मार खाए जोलहा, खेत खाए गदहा मार खाए जोलहा। भोजपुरी भाषा में हर जगह
ई अश्लीलता के भावना से गीत ना बन रहा बा। एमन ई बा कि जब से फिल्मी दुनिया कुछ स्टार्ट भइल भोजपुरी भाषा के उजागर कइल अछि, ओ समय में जब शुरुआती फिल्म कुल रहल, टेली श्रृंखला कुल रहल, वो समय में अथवा भोजपुरी गीत रहल, गावनिया भाषा के हम बतावल कर रहल, वो भाषा में पहले ई रह कि लोग गावत रहे, मिठास इतना मिठास से गावत रहे कि सांकेतिक भाषा से कुछ ऐसा संकेत वाला शब्द रखे, वो भाषा से पूरा भोजपुरिया साहित्य के रचना के मिठास लोग है। लेकिन आज के जौन लिखनी बा, आज के जौन गौनई बा, इमन थोड़ा सा छाड़ापन जरूर हो गई बा। ये हो गई बा कि अंग प्रतंग के सीधे वार करत, सीधे वार करत, क्योंकि वो शब्द के बोल देखी, वही शब्द के गा की हमन के समाज में ये अश्लीलता के विकृति जौन बढ़ रहा बा, हम अपने खुद भी ये अश्लीलता के खिलाफ बाढ़ी। भोजपुरी साहित्यिक खरियान अथवा भैरवा साहित्यिक खरियान रूपंदेही भी इकरे खिलाफ बा, और एक एक से एक अपन योजना कुल बना के आगे बढ़ रहा बा। जैसे नया नया गीतकार, नया नया गायक लोगन के भी स्थानीयता में पता लगा के पहचान कर के वो लोग के सतर्कता दिया रहा बा। जैसे इन्हीं भी भैरवा में भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुल बा, वहां भी हम पहुंचल रही और लोगन के सतर्क करौली, बाबू अब बढ़िया से ये भोजपुरी भाषा के इज्जत बता के चला सबे के हम बता के कह के और कुछ सर सलाह कह के बत कही कह के वहां से हम आए रहे जी। तो वही से अब भैरवा साहित्यिक खरियान अश्लीलता के खिलाफ बा रही हरदम जी। अब सही हमने कार्यक्रम के अंत में भी बानी सन, विशेष तो कैसन कैसन चीज पर अगर हमने विशेष ध्यान दीसन वा और अन्य समाज जो हमने के बानी वो ध्यान देवल जाए तो अपन भोजपुरी भाषा और खिली सुगंधित हो जैसे रुआ महसूस करे नी। अच्छा ठीक, अब हम तो कुछ रचना भी सोचले नहीं सुना देवे जी, एगो रचना के संग। हाँ जी जी सुनिए, हम ये बता रहे भोजपुरी भाषा के जो लिखवैया बा, गीतकार लोग बा, तो ऐसा शब्द के प्रयोग कर लिया कि भोजपुरी भाषा के महक ले आवे। तो अब थोड़ा थोड़ा हम आपके एक ठो रचने के मार्फत एक जवाब देते हैं। जी जी। मौनी ढकिया हरियर पियर लाल बिने भौजी हो, मौनी ढकिया हरियर पियर लाल बिने भौजी हो, दुआरा बढ़ारे गोबर काढ़े रोज भरे पनी हौती हो, दुआरा बढ़ारे गोबर काढ़े रोज भरे पनी हौती, भौजी मोर खूब दुलारी घर में बाड़ी सबसे प्यारी, नेह प्रेम अनमोल बउन कर भैया बारन सौदी हो, भैया बारन सौदी हो, सास ससुर यहाँ पौली छोड़ी अली बाबू माई, नैहर निहोरा कैसे करी है भैया उनकर फौजी हो, भैया उनकर फौजी हो, टुनुन मुनुन ललना खेले दुआरा भैया के परछाई, करत रहे वो दिन भर काम हाथे में ना एक कौड़ी हो, हाथे में ना एक कौड़ी हो, करी धनवा कटाई दवन कराई, करी धनवा कटाई दवन कराई, भरेली धुन की डेहरी हो, भरेली धुन की डेहरी हो, चिपरी गोईठा घास कटाई लकड़ी बीने दौड़ी हो, लकड़ी बीने दौड़ी हो, ननद भौजाई किसने दिखाई बचेली मन के भीतरी, चौआ चांगर जतन करेली घारी में धुईहर धौकी हो, घारी में धुईहर धौकी हो, मनवा के बतिया साच बताई भौजी रोवे रतिया, मनवा के बतिया साच बताई भौजी रोवे रतिया, पीटी छतिया कुहक उठेली भैया बड़ मन मौजी हो, भैया बड़ मन मौजी हो। एक रचना बा जी जी, रचना में हमन के भोजपुरी भोजपुरिया समाज के जवन ठेठ भोजपुरी कुल बा, ई भोजपुरी के हमन के जरूर उजागर भाषा के शब्द के उजागर करे के परी, और ऐसा ना यही उदाहरण के हिसाब से हम कहब कि भोजपुरी भाषा के जौन ठेठ भोजपुरी कुल बा ओके हमन के प्रयोग कइल जाए। जैसे हमन के कार्यक्रम चलावल जाता है, मन कुछ मिक्सअप होता है, हिंदी शब्द भी आ जाता, नेपाली भी आ जाए, इंग्लिश भी आ जाए, तो ई भोजपुरी ना आवे। जी 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 जी। अब सही रउआ, अभी जो रेडियो सुन रहा बानी, तमाम श्रोता के क्या कहे के चाहे? अब
हमन के कार्यक्रम के अंत में आ गए वानी जा तो कार्यक्रम के अंत में अब जवन ब्याहे में एठो गारी सुनावल सब ये तो रचना सुनावत हम आपके रचना ही दूठ बात थोड़ा थोड़ा ये सुनाई पा रहे अंतिम विनती करब हमनी के समय समय पूरा हो चुकल बाटे हमनी के समय परिधि में रह के काम करे के पड़ला के छोट रचना दू शब्द के खाली जी अच्छा ठीक जी दू दू लाइन हम सुना देते हैं जी जी हम भोजपुरिया तू भोजपुरिया महकल सगरो माटी भोजपुरिया चाहे रह गावे चाहे बन शहरिया सिखौले भोजपुरी हई महतरिया दूसरा के बा दूसरा हमन के भोजपुरी में बा मन साफ बा खिचिया के बोल मन साफ बा खिचिया के बोल झूठ बोल फिर मिठिया के बोल चंचल मन चिंता हटा के बोल कर्म हार जीत सटा के बोल ऐसन हमन के भोजपुरी ठेठ भाषा के उजागर एनी घरी अंतिम कार्यक्रम में अंतिम वाणी के हमन के रेडियो छानवी जे जे श्रोतागण सुन रहा वाणी साहित्यकार शिक्षाविद गीतकार संगीतकार अथवा जे भी भोजपुरी भाषी प्रेमी वाणी रउआ सब के हम ई कहब भोजपुरी भाषा के खातिर आपन जौन योगदान बा व्यक्तिगत रूप से शुरू करी समाज में ले आई समाज के आगे बढ़ाई गांव के आगे बढ़ाई और पूरा देश के आगे बढ़ाई कहे से कि भाग वाला जेकर भाग रहला उही के भूतो हर जोतला जी जी जे जे रचना रची उनकर इतिहास में भी नाव रही हरदम के खातिर नाव रही ई ना कहें कि काली माई करिया भवानी माई गोर ये करे हुई हिसाब से तना हुई और हम आपके ये अंतिम ये बताए कि भोजपुरी भाषा के थोड़ा सा हम वर्गीकरण कैले वाणी खिसियावन घिसियावन और पिसियावन खिसियावन के मतलब कौनो प्रकार के मन से खींच न रखल जा कि ये भोजपुरी है भोजपुरी से कोनो बात ना हो पाई कोनो चर्चा ना मिली कोनो आगे ना बढ़ मिली और घिसियावन के मित्र बोलब तो बोलब लिखब तो लिखब पढ़ब तो पढ़ब घिसिया के टांग टून के ले जाए वाला काम न करी जी जी। और पिसियावन के मतलब जी एक भाषा के विरोध में बात अश्लीलता के लिए होता अथवा जी भाषा अपन मातृभाषा भोजपुरी होते हुए भी भोजपुरी भाषा के पीछ देता पिछियावन के वर्गीकरण में रखले वानी उसे आप सबसे अनुरोध बा कि भोजपुरी भाषा के आगे बढ़ाई मातृभाषा है मन की संस्कृति रही भाषा रही तब हमने के रह जाए नहीं तो जब भोजपुरी भाषा से लुप्त हो जाए तो हमन की सारा संस्कार लुप्त हो जाए पहचान लुप्त हो जाए वही से जय भोजपुरी कहीं और कहे दी एक साथ जिंदगी गुजारी जिंदगी सफल रही कहा जी जी और अंत में छानवी रेडियो 96.4 के पूरा परिवार प्राविधिक कक्ष में टेक्नीशियन भाई हुई हैं बाड़ और आप श्रोता बानी श्याम सराफ जी की एक सुनहरा मौका धले हमा मन बहुत गदगद बा बहुत खुश बानी आज जी जी धन्यवाद हमने के समय एकदम अंत में बानी सन अरुआ अपन अमूल्य समय देनी हमने के संगे बात करनी अपन भोजपुरिया समाज के अपन उपदेश देनी अपन मन के बात करनी खातिर रुआ के ढेर सारा धन्यवाद सही सुप्रभात बाटे। अब जी श्रोता आज हमने के साथे रहनी है विश्वनाथ सिंह पलिवाल जी जे अपन साहित्यिक खरियान चला के अभिन के समय में बहुत सारा योगदान दे रहल बानी अपन भोजपुरिया समाज के ओकरा लेल उहाँ के धन्यवाद के पात्र भी बानी। अब फिर भी नया अतिथि के संगे रुवा सभन के माज में उपस्थित होकर बाचा करत आज के खातिर प्राविधिक रूप से सहयोग करत सत्येंद्र जी के धन्यवाद देत हमरा के दी आज्ञा सचेत रही चौकस रही घरे रही सुरक्षित रही सुप्रभात।